कलेश, जो नंबर गेम है उसके हिसाब से 10 सदस्य तो कम से कम होने चाहिए अगर नेता प्रतिपक्ष बने रहना है विधान परिषद में। यही संकट लोकसभा में कांग्रेस के सामने आ गया था कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं मिल पा रही थी। तो अब ये जो संकट है बहुत टेंशन बढ़ाने वाला है समाजवादी पार्टी के लिए। बिल्कुल, देखिए अवधेश, जो उच्च सदन है 100 सीटें हैं और उसका ये नियम है कि जो भी विपक्षी दलों में सबसे बड़ा दल होगा उसमें से नेता प्रतिपक्ष लिया जाएगा। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन और है कि जो भी दल हो जिससे भी नेता प्रतिपक्ष लिया जाना है उस दल की कम से कम उच्च सदन की 10% सीट्स उसके पास होनी चाहिए। यानी 100 सीटों का उच्च सदन है तो कम से कम 10 MLC उनके होने चाहिए। लेकिन जो अभी समीकरण बन रहे हैं, जिस तरह से अगर आप देखें कि अभी अप्रैल से मई तक का जब हम देखते हैं तो 3-3 करके 2 बार में जो सदस्य, जो मनोनीत सदस्य, उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि उनकी जगह पर इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है उनके मनोनीत सदस्य हो जाएंगे। इसके बाद आप जुलाई में आइए तो जुलाई में जिस तरह से हम देखते हैं जो विधानसभा क्षेत्र के चुनाव हैं उनमें जिस तरह से हम देखते हैं कि जो सदस्य बनाए जाने हैं तो 31 विधायक मिलकर देखिए एक सदस्य का चयन करते हैं। तो जो वहां पर सीटें खाली होंगी उनके हिसाब से 4 सदस्य ही समाजवादी पार्टी अपने बनाने की स्थिति में वहां पर है। तो इधर के जो पद खाली होंगे, इसके बाद जो आगे के चुनाव होंगे विधानसभा क्षेत्र के बाद, तो इनका जब हम पूरा गणित देखते हैं तो समाजवादी पार्टी के पास अधिकतम जो MLC बचे दिख रहे हैं हमें 6 जुलाई के बाद की हम अगर बात करें तो वो 9, तो 5 पहले से और 4 इसमें जो विधानसभा क्षेत्र वाले में चुनकर आएंगे, क्योंकि इनके जो विधायक हैं वो हैं 125। तो 31 के हिसाब से अगर आप गिने तो 124 पर इनको 4 MLC मिलते हैं वहाँ पर। तो इस हिसाब से इनके पास 9 विधायक वहाँ पर खाली MLC बचेंगे। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी इनके पास से जाना जो है इस पूरे समीकरण को आप देखें तो लगभग तय है। और निश्चित रूप से एक बड़ा झटका भी है, पहले एक करारी शिकस्त MLC चुनाव में 36 में 36 सीटें आप देखिए कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी हार जाती है, 2 सीटें निर्दलीय जीत जाते हैं, 1 सीट राजा भैया की पार्टी जीत जाती है। और समाजवादी पार्टी जो प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी है अगर हम देखें तो वो यहाँ पर इन 36 में 1 भी सीट नहीं जीत पाती है। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा झटका होगा और उससे भी बड़ा झटका जब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी उनके पास से चली जाएगी तो वो होगा। अब भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर इन चीज़ों को आप देखें तो कई तरह के फायदे हैं। अगर आप पिछले कार्यकाल में देखें, लव जिहाद से जुड़ा हुआ एक कानून आया था, धर्मांतरण से जुड़ा हुआ, तो उसको लेकर विपक्ष ने विधानसभा में, क्योंकि बहुमत में थी भाजपा, वो आराम से उसको वहां से पास करा के लाती है। उसके बाद जब परिषद में यानी उच्च सदन में जाता है तो वहां पर बहस होती है, बिल्कुल, जबकि उस समय समाजवादी पार्टी जो है वो बहुसंख्यक थी यानी भाजपा अल्पमत में थी, उसके बावजूद वहां पर भाजपा उसे पास कराने जाती है। इस तरीके की दिक्कतें थी वो चल जाएंगे। लेकिन हरीश श्रीवास्तव जी, एक तरफ तो ये